किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानेंगे गिर नस्ल के जो सीमेन होती है उसकी जो स्ट्रॉ है उसके स्ट्रॉ के कलर में कुछ चेंजेस भारत सरकार ने किए हैं उसके बारे में। भारत सरकार के नए दिशा निर्देश अनुसार गिर के जो सीमेन होता है जो कन्वेंशनल सीमेन होता है वो अभी पर्पल कलर जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं इस तरह के सीमेन स्ट्रॉ में अभी उपलब्ध होगा। पहले यही सीमेंट जो है वो ऑरेंज कलर के सीमेंट स्ट्रॉ में आपको मिलता था। ये जो बदलाव आया है ये 1 जुलाई 2023 से एबीएस इंडिया ने सभी जो गिर का सीमेंट होता है वो पर्पल कलर के सीमेंट स्ट्रॉ में पैक करना शुरू कर दिया है। ऐसे हो सकता है कि अगर कोई सीमेंट स्ट्रॉ जो 1 जुलाई से पहले बनी हो वो आपको ऑरेंज कलर में मिलेगी और अगर कोई सीमेंट स्ट्रॉ जो 1 जुलाई के बाद में बनी है वो आपको पर्पल कलर में मिलेगी। ये जो चेंज लाया गया है ये भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही लाया गया है जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोवाइन सीमेंट, ये जो उनकी गाइडलाइन है इसमें जो बदलाव भारत सरकार ने किया है उसके अनुसार हमने ये इसमें चेंजेस लाए हैं। अभी आपको जितने भी एबीएस की सीमेंट स्ट्रॉ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रोहित, चेतक, पार्थिव और बाकी अन्य गिर बुल की जो सीमेंट स्ट्रॉ है अगर वो 1 जुलाई के बाद बनी है तो वो आपको पर्पल कलर के सीमेंट स्ट्रॉ में ही मिलेगी। साथियों अगर गिर का सीमेंट 6 सीमेंट होता है तो वो सफेद कलर के स्ट्रॉ में पैक होता है, ये आप जान लीजिए। तो 6 सीमेंट आपको सफेद स्ट्रॉ में मिलेगा और जो कन्वेंशनल सीमेंट होता है जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो आपको पर्पल कलर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस तरह के स्ट्रॉ में आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सीमेंट स्ट्रॉ में क्यूआर कोड लगा होता है, एबीएस लिखा होता है और साथ ही में बुल का नाम, उसका डैम सील्ड और बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो यहाँ होती है। इसके बारे में अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर एबीएस का टोल फ्री नंबर 1800-210-9210 पे हमें संपर्क करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।